Now I'm discussing the composition of solute and solvent in a vapor phase. मतलब क्या हुआ, जैसे आपने दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट को मिक्स किया तो आपका सॉल्यूशन बन गया. अब वो दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में है तो उनकी वोलेटाइल नेचर के हैं, तो उनकी टेंडेंसी क्या है, वेपर बनाने की भी रहेगी. तो वो जो वेपर बनाएंगे तो उस वेपर का मोल फ्रैक्शन यदि आपको दिया हुआ हो, वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए इन अ वेपर फेज and YB is what, mole fraction of solution, sorry, solute B in a vapor phase. Or these compositions can be carried out या calculated by using Dalton's law of partial pressure. अब YA और YB की value कैसे calculate करेंगे, by using Dalton's law of partial pressure. राउट लॉ से नहीं कैलकुलेट होगी. डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस या पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इज वाई ए इंटू पी टोटल. वाई ए क्या है, देयर मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल. तो वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए बाय पी टोटल. और वाई पी बी कैसे लिखा जाएगा, पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल. तो YB की वैल्यू क्या आ जाएगी, PB अपॉन P टोटल. और ये जो PA और ये PB कैलकुलेट किए हैं, PA क्या है, P नॉट A X A और PB क्या है, P नॉट B X B. इनके लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है और उनके प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है, उन्हीं से हमने PA PB कैलकुलेट किया और उससे फिर P टोटल कैलकुलेट किया. P टोटल है PA प्लस PB. और इनकी वेपर फेज के जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसे कैलकुलेट किए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वेपर इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोला जाता है. तो वाई ए की वैल्यू हो जाएगी पी ए अपॉन पी टोटल, वाई बी की वैल्यू हो जाएगी पी बी अपॉन पी टोटल. इज इट क्लियर. सो here we discuss one of the important topic of this unit, vapor pressure of liquid containing two volatiles component. अब देखिए question में discuss कर रहा हूँ, तो आपको ये जो मैंने discuss किया है और clear out होगा अच्छे से कि exactly हमने क्या discuss किया है, ठीक है. अब question क्या है देखिए, आपको question दिया है, दो components हैं आपके पास, one is a क्लोरोफॉर्म एंड वन इज अ डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है. मैं क्वेश्चन के डेटा आपको मैं लिख देता हूं. वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mm ऑफ Hg एंड 515 mm ऑफ Hg. आपके पास दो कंपोनेंट है, वन इज क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड अनदर वन इज CH2Cl2. इसका आपका वेपर प्रेशर आपने लिया P नॉट A लिया 200 mm ऑफ Hg और P नॉट B आपको दे रखा है 500 mm ऑफ Hg, ठीक है. अभी दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 and 40 ग्राम of CH2Cl2, ठीक है. ये हम B ले लेते हैं, इसको P नॉट B ले लेते हैं, इसको P नॉट A, ताकि जो हमने लास्ट इक्वेशन डिराइव करी उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो. जो लेसर अमाउंट में है उसको हमने B लिया, जो मोर अमाउंट में है मतलब सॉल्यूट को B लिया, सॉल्वेंट को A लिया. तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है. तो आपको क्या करना है, इन दोनों के इतने इतने अमाउंट हमने लिए हैं, इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग द 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एंड ऑल्सो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट
in a vapor phase. यानी यू ऑल्सो कैलकुलेट वाई ए एंड वाई बी. आपको क्या कैलकुलेट करना है, वाई ए एंड वाई बी भी कैलकुलेट करना है. और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, मोलर मास ऑफ सी एच सी एल थ्री दैट इज गिवन. मोलर मास ऑफ सी एच सी एल थ्री आपको दे रखा है 119.5 एंड मोलर मास ऑफ सी एच टू सी एल टू दैट इज ऑल्सो गिवन दैट इज 85. ठीक है, अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे देखिए. Now, as we know that P total is P naught A X A plus P naught B X B. यदि कॉल कट जाए तो ज्वाइन हो जाइएगा वापस, क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है ना. तो P total is P naught A X A plus P naught B X B. अब पहले मुझे X A और X B की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि P naught A और P naught B की वैल्यू दे रखी है. Now, X A is mole fraction of CH2Cl2 in a liquid phase. और इसकी वैल्यू होगी Na upon Na plus Nb. ठीक है, और Xb की वैल्यू हो जाएगी 1 minus Xa. ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl2. ठीक है, बट मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने से पहले मुझे Na और Nb की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो मैं कैलकुलेट करता हूं Na और Nb की वैल्यू. ठीक है, Na दैट इज मोल्स ऑफ CH2Cl2 और वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ CH2Cl2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH2Cl2. तो अमाउंट ऑफ CH2Cl2 दिया हुआ है 40 और उसका मोलर मास दिया हुआ है 85. ठीक है, तो 40 डिवाइड बाय 85 सो दैट कम्स 0.470. और Nb इज मोल्स ऑफ CHCl3, तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ CHCl3 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CHCl3. द अमाउंट ऑफ CHCl3 इज 25.5 डिवाइड बाय मोलर मास दैट इज 119.5. तो ये मोल्स आपके आ जाएंगे 0.213. अब Na और Nb की वैल्यू आ गई, तो इसके बेसिस पर हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, XA और XB की वैल्यू. तो XA आया 1 Na अपॉन Na प्लस Nb. तो Na की वैल्यू कितनी है, 0.470 अपॉन 0.470 प्लस 0.213. तो ये 0.470 डिवाइड बाय 386.683. 0.470 डिवाइड बाय 0.683, तो दैट वैल्यू कम्स 0.688. ये XA की वैल्यू आ गई. तो XB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस XA, क्योंकि XA प्लस XB की वैल्यू क्या होती है 1. तो हम 1 माइनस XA से XB की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 1 माइनस 0.688 सो दैट कम्स 0.312. ये XA और XB की वैल्यू आ गई. So, after calculating the value of XA and XB, now we calculate the partial pressure of CH2Cl2 and partial pressure of CHCl3. So, अब आपका calculation होगा PA. PA is equal to P naught A XA. तो ये हो गया P naught A की value, that is a partial pressure of CH2Cl2 in the pure state. और इसकी वैल्यू थी 415. और XA की वैल्यू हमने दे रखी है 0.688. तो 415 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.688 से, सो इट वैल्यू कम्स 285.52 mm ऑफ Hg. और PB की वैल्यू कितनी है, P naught B XB. तो P naught B की वैल्यू थी 200 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.312 से. 200 को किससे मल्टीप्लाई किया, 0.312 से. तो ये वैल्यू आ गई 62.40 mm ऑफ Hg. तो अब PA और PB की वैल्यू आ गई. तो PA और PB की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब आपकी कैलकुलेशन फाइनल P टोटल आ जाएगा. सो P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB. ठीक है,
ठीक है. सो पी ए इज 285.52 + 63.40, तो ये हो गया 298.42. तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर आया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म. तो पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले हमने कैलकुलेट किया एन ए, फिर कैलकुलेट किया एन बी, फिर हमने कैलकुलेट किया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, देन कैलकुलेट किया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, उसके बाद टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, देन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. सो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपका कैलकुलेटिव है, पूरा टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेशन है. ठीक है, पहले मोल कैलकुलेट करने हैं, फिर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं, फिर पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने हैं, और फिर टोटल प्रेशर कैलकुलेट होगा. अब हमारे पास इसका दूसरा पार्ट कैलकुलेट करना बाकी है, देयर मोल फ्रैक्शन इन अ वेपर फेज. तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन वाई ए, ये आपका किसका वेपर प्रेशर आया, CH2Cl2 का, और ये आया CHCl3 का. अब हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं CH2Cl2 के, तो ये हो जाएगा PA अपॉन P टोटल. PA की वैल्यू हमने इनिशियली कैलकुलेट करी है 285.52 डिवाइड बाय 348.92. ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0.82 के आसपास आएगा. अब YB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दैट इज सिंपली कैलकुलेट 1 - YB, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 0.82, द वैल्यू कम्स इज 0.18. तो ये पूरा आपका क्वेश्चन है, पूरा कैलकुलेशन है इसके अंदर. दैट इज द होल कैलकुलेशन इन दिस क्वेश्चन. That is a partial pressure or vapor pressure of solution containing two volatile liquids. आपको कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, पी ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. तो उसके लिए पहले दोनों के मोल्स कैलकुलेट किए, फिर दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किए, फिर दोनों के पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट किए, और फिर टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया. और वेपर प्रेशर में उनके वेपर फेज में उनके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाया, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर. इससे वाई ए की वैल्यू आ गई, और वाई बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1 - YA कैलकुलेट किया, तो इससे आपको क्या आ गया, देयर मोल फ्रैक्शन इन अ वेपर फेज. एक्स ए और एक्स बी अलग है, वाई ए और वाई बी अलग है. इज दिस क्लियर, समझ आया? ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आया आपको? देखिए, हमारा नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन. इन द लास्ट आर्टिकल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन विच बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वॉलेटाइल. बट इन दिस सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल बट सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, उसकी वेपर बनाने की कैपेसिटी नहीं है. तो हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं दैट वी हैव टेकन ए, और उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट जो हम मार्क कर रहे हैं बी, और इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या है, जीरो, क्योंकि ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल. और इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन का मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर.
कैलकुलेट करना है। सो हाउ टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर एंड हाउ दिस वेपर प्रेशर इज रिलेट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो व्हेन वी ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन द प्योर सॉल्वेंट एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू इस पी नॉट ए से कम रहेगी। नाउ व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म इज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो टू अंडरस्टैंड दैट वी आर टेकिंग अ सिचुएशन। जैसे हमने एक क्या लिया, एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर के अंदर पहले क्या है, लिक्विड ए है, ये लिक्विड ए, और इस लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वॉलेटाइल है, तो दे हैव अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू द वेपर। तो इस अपर सरफेस पर सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, ए के हैं, ये सारे ए हैं। सो दे हैव अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू द वेपर। अब जैसे ही क्या करूंगा, इसके अंदर मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा। सो सर्टेन places of molecule A is taken by the molecules B. ये जो upper surface पे पहले जो सारे A molecules हैं, अब उन कुछ उन molecules में से कुछ molecules की जगह क्या आ जाएंगे, B भी आ जाएंगे, क्योंकि अब जो मेरा solution बना है उस solution में क्या है, मेरा liquid भी है और liquid के साथ साथ क्या है, कुछ volatile non volatile solute भी है। तो पहले क्या था कि इस upper surface पर सिर्फ वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अब क्या होगा, वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कुछ क्या होंगे, नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। तो इन द सॉल्वेंट ए ऑल द मॉलिक्यूल हैज अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू द वेपर। तो वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा थी, लेकिन यहां क्या हुआ, नाउ द सम स्पेस प्लेसेस ऑफ द मॉलिक्यूल ए इज टेकन बाय मॉलिक्यूल बी विच हैज but doesn't have a tendency to convert into the vapor. Now the lesser number of molecule A has a tendency to convert into the vapor. पहले सारे molecules A थे, तो सारे molecules जो molecule A थे उनकी vapor बनाने की tendency थी। अब कुछ upper places क्या हुए, molecule A के साथ साथ molecule B ने भी acquire कर लिए, तो now the lesser number of molecules A has a tendency to convert into the vapor. So the solution form has a lesser vapor pressure. तो इस वजह से जो आपका solution बनेगा उस solution का vapor pressure pure solvent के vapor pressure से क्या होगा, कम होगा। Is that clear? आया समझ में ये? पहले क्या था, आपके container के अंदर सिर्फ liquid solvent था, उस solvent के सारे molecules की tendency क्या थी, vapor में convert होने की। तो जितने भी upper surface में molecules थे they has a tendency to convert into the vapor. लेकिन जैसे इसके अंदर हमने non volatile solute add किया, तो कुछ molecules जो A के थे, they will be replaced by the molecules B. Now the lesser number of molecules A has a tendency to convert into the vapor, so that decreases the vapor pressure of solution form. क्योंकि पहले सारे molecules बना रहे थे, जैसे suppose upper surface पे 1000 molecules है, अब क्या हुए, for example 800 molecules हो गए, तो वेपर बनाने की जो टेंडेंसी थी मॉलिक्यूल्स में वो डिक्रीज हो गई, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ वी कैलकुलेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैथमेटिकली। तो हमने जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए डिफाइन किया था, पी टोटल इज इक्वल्स टू P naught A X A plus P naught B X B. इस एक्सप्रेशन में क्या था,
ये दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल थे, लेकिन अब हमने क्या किया है कि मेरा ये जो कंपोनेंट सेकेंड है, सॉल्यूट है, वो नॉन वॉलेटाइल है, और इसका नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से पी नॉट बी की वैल्यू जीरो हो गई। तो ये क्या हो गया, ये कंपोनेंट, ये वाला एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो नाउ पी टोटल इज इक्वल टू ओनली पी नॉट ए एक्स ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इट्स टोटल प्रेशर इज बेसिकली इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि देखिए पी नॉट बी की वैल्यू जीरो है, तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया। सो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, इज दैट क्लियर। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो और इसको हम क्या ले लेंगे, पी ए। तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये एक्सप्रेशन समझ में आया, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, देखिए रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। देखिए पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, दैट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए की जगह रख दिया वन माइनस एक्स बी, हम रख सकते हैं एक्स ए की जगह क्या रख सकते हैं, वन माइनस एक्स बी, मल्टीप्लाई किया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब ये टर्म इधर ले आए, ये इधर ले आए, तो पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। तो ये जो एक्सप्रेशन आया, ये क्या आया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट आया वो डिक्रीमेंट है। ये सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट के अंदर जैसे सॉल्यूट ऐड किया उसके बाद जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का